सब भैया बहनी के पाए लागी। ये जो दो मेहरबान दो चित्र लेके आए हैं, वो चित्र ऊपर करते हैं, पीछे किसी को दिखता नहीं है। एसपीजी के लोग ये चित्र ले ले उनसे, और आप पीछे अपना अता पता लिख देना, खुद का मत लिखना, पेंटर का लिखना, जिस आर्टिस्ट ने बनाया है उसका नाम लिखना, तो मैं उसको चिट्ठी जरूर भेजूंगा। उनसे कलेक्ट कर ले, कोई ले लीजिए भाई। अच्छा, यहां जो पांच छह लोग खड़े हैं, ये जो यहां पांच छह लोग खड़े हैं, वो पीछे सबको परेशान कर रहे हैं, जरा वो वहां से जगह करें। ये मैडम जो वीडियो उतार रही है, जरा आगे खड़े हैं वो, जरा पीछे जाइए, ताकि पीछे वालों को परेशान कर रहे हैं आप। अच्छा, सुन नहीं पा रहे आप लोग वहां? मैं आप दोनों बहनों को कह रहा हूं, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दो दिन पहले मैं बनारस में था, वहां जो माहौल बना, जिस प्रकार से काशी वासियों ने लोकतंत्र का उत्सव मनाया, और स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री वहां नामांकन लेने गए थे, तो जरा मीडिया वालों का भी ध्यान ज्यादा रहता है। लेकिन सवाल काशी का नहीं है, हिंदुस्तान के हर कोने में, कन्याकुमारी से कश्मीर तक और अटक से कटक तक, सब दूर यही उमंग है, यही उत्सव है। और लोकतंत्र की क्या ताकत है, उस पर दुनिया का ध्यान गया है। और मैं पहली बार देख रहा हूं कि दुनिया के अखबारों में पहले पेज पर भारत के लोकतंत्र के उत्सव की खबरें छाई हुई हैं। भारत के भाई, आपका आप बैठिए, और एक बार भी खड़े नहीं होंगे आप। भारत की पहचान, भारत का महात्म्य दुनिया के लिए भी कितना महत्व रखता है, इसका ये परिचय है। दुनिया देख रही है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी एनडीए हमारे सभी साथियों पर है, और जहां भी जाते हैं एक ही स्वर सुनाई देता है, एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही संकल्प चारों तरफ लेकर के लोग चल रहे हैं, और वो है फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। भाई और बहनों, आखिर दुनिया को ये विश्वास कैसे है? ये रातों रात तो नहीं हुआ है। दुनिया
ये जन समर्थन देख रही है। आपका प्रेम और आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह दुनिया को अचरज कर रहा है। दुनिया देख रही है कि भारत के लोगों को मोदी की गारंटी पर कितना भरोसा है। साथियों, मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, इसका ताजा उदाहरण सीएए कानून है। सीएए कानून है और आपने देखा होगा कल ही सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का काम शुरू हो गया। पहले लॉट को ऑलरेडी नागरिकता दी गई और ये सभी भाई बहन हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, ईसाई है और ये वो लोग हैं जो शरणार्थी बनकर के लंबे अरसे से हमारे देश में रह रहे हैं। ये वो लोग हैं जो धर्म के आधार पर हुए भारत के बंटवारे का शिकार हुए थे। और मजा देखिए, ये महात्मा गांधी का नाम लेकर के सत्ता की सीढ़ियां तो चढ़ जाते हैं लेकिन महात्मा गांधी के बातों को याद नहीं रखते हैं। खुद महात्मा गांधी ने भरोसा दिया था कि वो कभी भी भारत आ सकते हैं। 70 वर्षों में हजारों परिवार प्रताड़ना झेल करके अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को बचाने के लिए मजबूरन मुसीबत के मारे भारत मां की कोख में आकर के शरण लिया। लेकिन कांग्रेस ने इनकी कभी सूद नहीं ली क्योंकि ये कांग्रेस के वोट बैंक नहीं थे। और ये लोग कौन है? ज्यादातर इतने मेरे दलित भाई बहन हैं, मेरे ओबीसी समाज के भाई बहन हैं, मेरे पिछड़े भाई बहन हैं और इसलिए इन पर वहां तो जुल्म हुआ ही हुआ, वोट बैंक के राजनीति में डूबे हुए यहां के कांग्रेस की सरकारों ने भी और उनके साथियों ने भी इन पर जुल्म करने में कोई कमी नहीं रखी। लेकिन यहां सपा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों ने इनके साथ क्या किया? इन्होंने सीएए के नाम पर ऐसा झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया, ऐसा झूठ चलाया। सपा कांग्रेस जैसे दलों ने यूपी सहित पूरे देश को दंगों की आग में झोंकने का भरपूर प्रयास किया। आज तक ये इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि मोदी ये जो सीएए लाया है ना, जिस दिन मोदी जाएगा ये सीएए भी जाएगा। भाइयों बहनों, क्या इस देश में अब कोई माई का लाल पैदा हुआ है?
जो सीए को खत्म कर सके। ये देश की जनता जान गई है, देश का हर नागरिक जान गया है कि आप लोगों ने वोट बैंक की राजनीति करके हिंदू मुसलमान को लड़ा लड़ा करके और सेक्युलरिज्म का ऐसा चोला पहन लिया था कि आपकी अंदर की पाप की सच्चाई बाहर नहीं आती थी। ये मोदी है जिसने आपका नकाब उतार दिया है, ये आपका नकाब, आप ढोंगी है, आप सांप्रदायिक है, आपने देश को 7 दशक तक संप्रदाय की आग में जूझने के लिए मजबूर कर दिया है। साहब, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, ये मोदी की गारंटी है, देश विदेश कहीं से भी जो भी ताकत इकट्ठी कर रही है कर लो, मैं भी मैदान में हूं, तुम भी मैदान में हो। आप सीएए नहीं मिटा पाओगे, आने वाले कुछ महीनों में ही पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली पंजाब तक हजारों शरणार्थी परिवार मां भारती की गोद में रह रहे हैं, अनाथ की तरह रह रहे हैं, वो अब सम्मान के साथ रहेंगे, उनके पास उनकी एक पहचान होगी, वो मां भारती के बेटे कहने के हकदार हो जाएंगे। हमारे उत्तर प्रदेश में भी ऐसे लाखों परिवार बसे हुए हैं जी। साथियों, मोदी की एक और गारंटी आज कश्मीर में भी दिख रही है। पिछले 5-6 दशकों में कश्मीर देश के हर चुनाव का मुद्दा होता था, हर चुनाव में सभी दल कश्मीर के मुद्दे को भुनाते थे। आपने देखा होगा ये हमारे विरोधी लोग हैं ना, उनकी बोलती बंद हो गई है, उनके मुंह पे ताला लग गया है, और दबी जबान में उन इलाकों में जाकर के कहते हैं अरे चिंता मत करो, ये मोदी भले कुछ भी चिल्लाता रहे, ये मोदी ने भले 370 हटाया, जैसा ही हमको मौका मिलेगा ना हम 370 भी वापस ले आएंगे। भाइयों बहनों, सवाल मोदी का नहीं है, जिस प्रकार से श्रीनगर में ये चौथे चरण के समय मतदान हुआ, भैया आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, मुझे जरा बोलने दीजिए, चौथे चरण में श्रीनगर में जो मतदान हुआ है, 40 साल के बाद वहां भारत के लोकतंत्र का उत्सव मनाया गया, भारत के संविधान का गौरवगान किया गया, और मतदान करके लोग गर्व अनुभव कर रहे थे कि वे हिंदुस्तान की सरकार बनाने जा रहे हैं। श्रीनगर के जीवन में बहुत बड़ा दिन था, और श्रीनगर के लोगों का उत्साह है ना, वो साफ दिखाता है कि अब कोई भी 370 वापस लाकर के वोट बैंक की राजनीति नहीं कर पाएगा। आजमगढ़ के यूपी के हमारे सैनिक परिवारों की माताएं बहनें हमेशा चिंता में रहती थी, न जाने कब कश्मीर की धरती पर आतंकी धमाका कर दें, न जाने कब पत्थरबाजी हो जाए, और न जाने कब बुरी खबर आ जाए।
कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन मोदी ने कश्मीर में शांति की गारंटी दी थी। मोदी ने 370 की दीवार गिरा दी, 370 की दीवार गिराई। पहले वहां चुनाव आते थे तो हड़तालें होती थी, मतदान करने वालों को मौत की मुसीबत आ जाती थी, आतंकी धमकी देते थे। लेकिन इस बार श्रीनगर में पिछले अनेक चुनावों के रिकॉर्ड टूट गए। भाइयों साथियों, ऐसा काम वही कर सकता है जिसके रग रग में राष्ट्र प्रथम का संकल्प बह रहा हो। आप याद करिए, 10 साल पहले देश में एक सामान्य व्यक्ति की सुरक्षा भगवान भरोसे होती थी। कभी बम धमाके, कभी आतंक, कभी स्लीपर सेल, कभी दंगे, और आजमगढ़ की तो पहचान ही बदल दी गई थी। न जाने किस किस नाम से आजमगढ़ को बुलाया जाता था, कितना बदनाम करके छोड़ा था। देश में कहीं भी धमाके होते थे तो सबसे पहले लोगों का ध्यान आजमगढ़ की तरफ जाता था, लोग आजमगढ़ की चर्चा करते थे। और तब यहां समाजवादी पार्टी की सरकार आजमगढ़ की प्रतिष्ठा के लिए न कुछ सोचती थी न कुछ करती थी। तब सपा के शहजादे आतंक के समर्थन में दंगाइयों का सम्मान करते थे, धमाके करने वाले आतंकियों को छोड़ा जाता था, स्लीपर सेल्स को राजनीति का कवर दिया जाता था। इसी रवैये के कारण देश भर में आतंकवाद फला फूला, अनेक माताओं को अपने बच्चों को बर्बाद होते देखा, और इन लोगों तो आज भी ऐसा ही रवैया है। भाइयों और बहनों, सपा कांग्रेस दल दो है लेकिन दुकान एक ही है। ये झूठ का सामान बेचते हैं, ये तुष्टीकरण का, परिवारवाद का और भ्रष्टाचार का सामान बेचते हैं। अब ये लोग तुष्टीकरण की ट्रिपल डोज लेकर आए हैं। एक तरफ ये लोग पिछड़े, दलित, आदिवासी का आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं, दूसरी तरफ ये इंडी गठबंधन वाले आपकी संपत्ति का आधा हिस्सा छीनकर उसको भी अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं। और साथ ही ये लोग देश के बजट को भी बांटना चाहते हैं, बजट का 15% भी अब वहां सीधा का सीधा माइनॉरिटी के नाम पर ही अलॉट करना चाहते हैं। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, देश की एकता के लिए, देश में सच्चे अर्थ में संविधान का सम्मान करने के लिए, देश में सच्चे अर्थ में बाबा साहब अंबेडकर की भावनाओं को जीने के लिए हमें ये भागला करो राज करने वालों से चौकन्ने रहने की जरूरत है। देश को आज सबसे ज्यादा एकता की जरूरत है। 70 साल तक उन्होंने हिंदू मुसलमान करते रहे, आओ एक बन करके चले, दुनिया में देश का नाम रोशन कर करके रहे। साथियों, इडली गठबंधन
तुष्टीकरण के दलदल में पूरी तरह धंस चुकी है। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता राम मंदिर को लेकर आए दिन घटिया बातें कर रहे हैं। कांग्रेस के शहजादे ने तो राम मंदिर को गालियां देने का मिशन ही चला रखा है। सिर्फ वोट बैंक को खुश करने के लिए ये लोग हमारी आस्था पर चोट कर रहे हैं। साथियों, यहां इतनी बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें आई हैं। मोदी आपका जीवन बेहतर बनाने के लिए दिन रात एक कर रहा है। आज हर गरीब को मुफ्त अनाज मिल रहा है। आज हर गरीब को मुफ्त इलाज मिला, पक्का घर मिला, घर में नल, नल में जल, सस्ता सिलेंडर, ऐसी अनेक सुविधाएं आप तक पहुंची है। क्या समाजवादी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में उन लोगों ने आपकी कभी चिंता की थी क्या? उन्हें आपको अपने हाल पर छोड़ दिया था कि नहीं छोड़ दिया था? ये मोदी है जो आपके जीवन से हर चिंता को दूर कर रहा है। अभी मोदी ने एक और बड़ा फैसला लिया है, आपके घर में और यहां जितने लोग हैं इन सबके काम आने वाला है। आप किस जात में पैदा हुए, किस बिरादरी में पैदा हुए, आप धनी हैं नहीं है, पढ़े लिखे हैं नहीं है, गांव में रहते हैं शहर, कुछ नहीं, सबके सब, क्योंकि मेरा तो मंत्र है सबका साथ सबका विकास। अब आपके घर में और आजकल हर परिवार बुजुर्ग लोग होते ही होते हैं, मां बाप, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, कोई ना कोई बुजुर्ग होते हैं। और 70 साल के बाद छोटी मोटी कोई बीमारी भी होती है, दवाई का खर्चा भी होता है। अब जो बेटा या बेटी कमाते हैं उनके मन में यही रहता है कि पिताजी की खिलाने पिलाने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर दवाई का बोझ आ जाए तो बेटा बेटी चिंता में लग जाते हैं, अरे कैसे करेंगे भाई। उनके सामने प्रश्न होता है कि बच्चों का परवरिश करें कि बुजुर्गों की चिंता करें। जिम्मेवारी भी है, दोनों जिम्मेवारी है, लेकिन अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये चिंता ये आपका बेटा मोदी करेगा। 70 साल से ऊपर के आपके परिवार में जो भी लोग होंगे उन सबकी बीमारी में इलाज के खर्च की जिम्मेवारी मोदी की, ये मोदी की गारंटी है। घुटने की दिक्कत हो, हार्ट की परेशानी हो, कोई भी बीमारी हो, हर बुजुर्ग का इलाज होगा और वो भी मुफ्त होगा। साथियों, मोदी ने एक और योजना शुरू की है, इसमें बिजली बिल जीरो हो जाता है। बिजली बिल जीरो, इतना ही नहीं, बिजली बिल तो जीरो हो जाएगा लेकिन बिजली इस्तेमाल करने वाला हीरो बन जाएगा। सिर्फ निर्हुआ हीरो हो गया था नहीं, आप हीरो बन जाएंगे। इस योजना को मैं समझाता हूं और ऑलरेडी चालू कर दिया है मैंने, ऐसा नहीं कि 4 जून के बाद करूंगा, कर दिया। योजना का नाम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। आप ऑनलाइन जाकर के अभी से रजिस्ट्री करवा सकते हैं, वो ऑनलाइन चालू है। योजना क्या है, मोदी आपको 75,000 रुपया देगा, आपकी जरूरत के हिसाब से 75,000 रुपया तक मोदी देगा। कितना कितना, उसमें से आप घर पर सोलर पैनल लगाएंगे और जो सोलर की बिजली होगी उसका आप अपने परिवार के लिए उपयोग करेंगे,
और जो ज्यादा बिजली होगी वो योगी जी की सरकार खरीद लेगी। अब इससे आपका बिजली का बिल तो जीरो हो जाएगा, आप बिजली बेच करके कमाई करना शुरू कर दोगे। ये काम मोदी आपके लिए कर रहा है और आप रजिस्ट्री करवा सकते, ऑनलाइन जाइए, सारी चीजें अवेलेबल है। साथियों, आज भाजपा सरकार में यूपी का तेज विकास हो रहा है। मंदूरी एयरपोर्ट बना है, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी बनी है, किसान कल्याण के काम हो रहे हैं, लेकिन यूपी के शहजादे को इन कामों से पेट में क्यों दर्द होने लगता है? इन्हें लगता है कि इस क्षेत्र का विकास हो गया तो इनकी दुकान कैसे चलेगी? आपने तो सपा के गुंडाराज के वो पुराने दिन देखे हैं। बाजार शाम 7 बजे बंद हो जाते थे, माताएं बहनें बाहर नहीं निकल पाती थी, पढ़ाई लिखाई तक के लिए बेटियों का निकलना मुश्किल होता था। भाइयों और बहनों, आज भाजपा सरकार में यूपी इन सारे संकटों से बाहर निकल आया है और योगी जी ने यहां दंगाइयों की, माफियाओं की, अपहरण फिरौती गैंग की, मेरा जो स्वच्छता अभियान है ना, योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बराबर चलाया है। अब यूपी में तेजी से आधुनिक सेवाएं बनाई जा रही है। मुबारकपुर का साड़ी उद्योग हो या फिर निजामाबाद के मिट्टी के बर्तन या फिर यहां का गुड़, ऐसे हर उत्पाद को दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। और इसलिए मैं वोकल फॉर लोकल के मंत्र को आगे बढ़ा रहा हूं। भाई और बहनों, आजमगढ़ को, पूर्वांचल को देश के विकास का इंजन बनाने के लिए आपका वोट बहुत महत्वपूर्ण है। अब उनका हाल देखिए, मैं अभी द्वारिका जी के दर्शन करने गया था, अंदर समुद्र के अंदर जाकर के मैंने भगवान श्री कृष्ण ने जो द्वारिका जी बनाया था, द्वारिका नगरी बनाई थी, वहां अपनी श्रद्धा अर्पित करने गया था, तो एक कांग्रेस वाले इसकी भी मजाक उड़ा रहे थे। और मजा यह है, ये बिहार में आरजेडी वाले और उत्तर प्रदेश में सपा वाले, उनके परिवार के जो मुखिया है वो अपने आप को यदुवंशी कहते हैं। अरे तुम कैसे यदुवंशी हो यार, जिसके साथ बैठते हो वो तो भगवान श्री कृष्ण को गाली दे रहा है। अरे और हम यदुवंश का महात्मा देखिए, अरे मध्य प्रदेश में वोट के लिए नहीं, हमारा मुख्यमंत्री है मोहन यादव, यदुवंश का महात्मा कौन समझता है वो आप जानते हैं। भाइयों बहनों, आपको लालगंज से हमारी बहन नीलम सोनकर को भारी आगे रहिए। हाँ, नीलम सोनकर जी को भारी बहुमत देकर संसद भेजना है। और हां, अब तक आजमगढ़ वालन के पास भोजपुरी का साधक हो, सेवक हो, निर्वाह का
तप और तपस्या आप लोगों के सामने है। परिवारवादी आपकी वोट की कीमत नहीं समझ सकते। आप निहुआ जी को रिकॉर्ड वोटर से विजयी बनाकर वो रिकॉर्ड मोटो से जिताना, और दूसरा बाकी हम तो बगल में बनारस में हुई है। मेरा एक और काम करिएगा, एक मतदान ज्यादा होना चाहिए, सुबह 10 बजे से पहले मतदान होना चाहिए, पुराने मत के सारे रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए, हर पोलिंग बूथ जीतना चाहिए। करेंगे करेंगे। अच्छा मेरा एक काम करेंगे, मेरा एक काम करेंगे, जरा आप लोग बताएं तो मैं बोलूं, मेरा एक काम करेंगे, सबके सब अगर हाथ ऊपर करके बताते हैं तो बताऊंगा, मेरा एक काम करेंगे, जरा मुझे जवाब दीजिए, मेरा एक काम करेंगे। एक काम करना, ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना और कहना कि अपने मोदी जी आए थे और मोदी जी ने परिवार के सबको राम राम कहा है। मेरा राम राम पहुंचा देंगे, हर एक को मेरा राम राम पहुंचा देंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे हैं। आजमगढ़ में आज चुनावी हुंकार भरते हुए आखिरी जो उनके शब्द हैं आजमगढ़ वासियों से, वो यही कि वोट भर भर के होना चाहिए। दिनेश लाल यादव निरुआ, बीजेपी के कैंडिडेट आजमगढ़ से, जिनके लिए भर भर के वोट करने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की।